वन्य जीव प्रेमियों के लिए बुधवार का दिन खुशियों से भरा रहा। शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बीते दिनों लाए गए व्हाइट टाइगर को बुधवार को सैलानियों के लिए बाड़े में छोड़ा गया। विधायक महेंद्र हार्डिया ने रिमोट के माध्यम से पिंजरे को खोलकर व्हाइट टाइगर को बाड़े में छोड़ा। अब प्राणी संग्रहालय में पहुँचने वाले सैलानी यहाँ येलो टाइगर के साथ साथ व्हाइट टाइगर को भी देख सकेंगे। हालांकि कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में मौजूद ब्लैक टाइगर को देखने के लिए सैलानियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में येलो, ब्लैक और व्हाइट टाइगर मौजूद है। मध्य प्रदेश का यह एकमात्र प्राणी संग्रहालय है जहां तीनों कलर के टाइगर मौजूद हैं, जो आने वाले समय में सैलानियों को एक साथ देखने को मिलेंगे। देखिए, वास्तव में आज खास दिन है। इंदौर का जो चिड़ियाघर है, जू है, वो जू में व्हाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर और येलो टाइगर, येलो टाइगर तो अपने यहाँ बहुत पाए जाते हैं, किंतु व्हाइट और ब्लैक ये दोनों टाइगर इस जू के अंदर है। आज व्हाइट टाइगर को रिलीज किया है आज इंदौर नगर निगम ने, और शीघ्र हम ब्लैक टाइगर को भी रिलीज करेंगे। ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।